विद्यापति नगर प्रखंड के वाजिदपुर बाजार स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रखंड स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा का परिणाम 25 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए निदेशक राहुल गुप्ता ने बताया कि विगत 3 वर्षों से इस प्रकार की प्रतियोगिता संस्थान द्वारा आयोजित की जाती रही है। इसी कड़ी में 18 दिसंबर को यह परीक्षा ली गई है। इसमें 10वीं तथा 12वीं के वैसे छात्र सम्मिलित हुए हैं जो आगामी फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा देंगे। इस प्रकार की परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रतियोगिता के प्रति रुझान उत्पन्न करना तथा उन्हें शैक्षिकी वातावरण देना है। परीक्षा समाप्त होने के बाद कई छात्र छात्राओं ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सिलेबस के ही थे। कुछ विषयों के प्रश्नों ने जरूर परेशान किया, फिर भी अच्छे अंक आने की संभावना है। वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि अटपटे सवाल पूछे गए थे, जिससे हमें निराशा हुई है। गौरतलब है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने से छात्रों में शिक्षा के प्रति ललक बधी है, जो आने वाले समय में उन्हें बेहतर अवसर के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक नवनीत कुमार, मोहम्मद कमलजी, अंकित कुमार, श्याम कुमार, मोहम्मद एवं राहुल गुप्ता मौजूद थे। दरअसल मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं मदरसा गरीब नवाज का प्रिंसिपल हूँ। आज जो ये परीक्षा हुई है, ये दरअसल जो फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, असल उसकी तैयारी है। तो बच्चे के हौसला अफजाई के लिए और खूब अच्छी तैयारी के लिए राहुल सर ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। बच्चे मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए साइकिल वगैरह का भी इंतज़ाम किया है। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ का इंतज़ाम देखकर, यहाँ की तालीम को देखकर, और बहुत ही अच्छे तरीके से तालीम भी हो रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और हम लोग इनके हौसला अफजाई के लिए आए हैं और हम लोग की दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में ये सबसे ऊंचे पैदान पे पहुँचें, यही हमारी ख्वाहिश है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताएं कि इस परीक्षा में जो मूल वजह थी इस परीक्षा की, वो क्या थी, क्यों ली गई है इस परीक्षा? मैं मोहम्मद कमरुद्दीन प्रखंड शिक्षक हूँ, ठीक है, खानपुर प्रखंड में। और ये परीक्षा जो ली गई है बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ली गई है, ताकि इसे प्रेरणा लेकर के बच्चे आगे की तैयारी अच्छी तरह से करें। और ये मुख्य रूप से कंपटीशन को दृष्टि रखते हुए परीक्षा में ज़्यादा रुझान 10वीं के बच्चों का था या 12वीं के बच्चों का? दोनों का रुझान एक लगभग है, रुझान ठीक है, दोनों का रुझान है। और परिणाम सर कब घोषित कर रहे हैं आप लोग? परिणाम 25 दिसंबर को घोषित कर रहे हैं, ठीक है, 10 बजे बाद। सर आप बताएं कि इस परीक्षा में लड़कों में ज़्यादा उत्साह दिखा या लड़कियों में? मेरा नाम नवनीत कुमार है, मैं, मेरी शिक्षा दीक्षा BCA और इंग्लिश ऑनर्स है। आपके सवाल में दोनों का रुझान था, जैसा कि मैंने देखा बच्चे बहुत उत्साहित होकर के, समय जो थी परीक्षा की 11:30 से थी, लेकिन वो तकरीबन 10:45 से ही यहाँ आ गए थे। और ये परीक्षा जो की गई थी, आने वाले वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारियों को देखते हुए कि विद्यार्थियों की तैयारी कैसी है। ये थोड़ा बता दें कि कितने प्रश्न थे और किन किन विषयों से प्रश्न पूछे गए थे सर? सभी प्रश्न जो थे वो तकरीबन 100 नंबर के थे, कुल सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और 12वीं के लिए जो साइंस के विद्यार्थी थे वो साइंस के से थे, जो आर्ट्स के विद्यार्थी थे वो आर्ट्स से थे, और 10वीं के मतलब जो भी थे उनसे 5 विषयों के प्रश्न, कुल 100 प्रश्न थे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।